हेलो किडोज, कैसे हैं आप? आज हम बोट बनाने वाले हैं, ओरिगेमी की बोट। ये देखिए, मैंने ये एक A4 साइज शीट ली है। इसको हम मिडिल से हाफ कर लेंगे क्योंकि हमें छोटी बोट बनानी है। अगर बड़ी बनानी है तो पूरा ले सकते हैं, हम छोटी बनानी है इसलिए हाफ कर लिया। इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कट कर लिया। आप चाहे तो सीजर से भी कट कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने लिया है। अब ये मैं नाप के भी बता देती हूँ आपको कि कितना है। ये मेरा अराउंड 21 है यहाँ से, और यहाँ से 15, मतलब 15x20 आप ले सकते हैं, सेंटीमीटर्स, नॉट इंचेस, सेंटीमीटर्स। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी लेंथ है। तो लेंथ वाइज हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से पूरे कॉर्नर को मिला के अच्छे से ऐसे मोड़ देंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया। इसके बाद अब हम यहां से, ये लेंथ है, अब ये लेंथ हो गई ना, और ये विड्थ हो गई, तो फिर से लेंथ में से हम इसको फिर से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब ये फोल्ड हो गया। अब इसको खोल लेंगे। इससे क्या हुआ, हमारे को यहाँ पर एक लाइन मिल गई है। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉर्नर से उठा के हम इसको यहाँ तक मोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरीके से लाइन से, इस तरीके से ट्रायंगल की तरह से मोड़, इसी तरह से हम यहाँ से उठा के इसको मोड़ेंगे इस लाइन तक। तो इसको भी हम मोड़ देते हैं यहाँ तक। ये देखिए, दोनों साइडों से मुड़ गया है। अब नीचे इतना शीट हमारी बची है। इस शीट को, दो शीट्स हैं इस तरीके से, इस शीट को भी हम फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ। एक शीट को हम ऊपर इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, फिर हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम शीट को फोल्ड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको उठाते हैं। तो इस तरीके से मिडिल में इस तरीके से आता है। अब हम इसको इस तरीके से खोल के ये कॉर्नर को हम इस कॉर्नर से मिलाएंगे। ये हमने ऐसे कॉर्नर मिला दिया, तो ये हमारा पेपर अंदर कर देंगे एक, और एक ऊपर कर देंगे। इसी तरह से यहां से भी एक पेपर अंदर कर दिया, एक ऊपर कर दिया। तो इस तरीके से हमें एक स्क्वायर पेपर मिल गया। ये स्क्वायर मिल गया हमारे को। अब क्या करेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे, यहां से इसको हम फोल्ड कर देंगे ऊपर, मतलब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे। इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाया, इस तरीके से हमारी शीट आधी हो गई। इसी तरह से पलट देंगे। पलटने के बाद भी हम इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके से। ये अब हम क्या करेंगे, फिर से ये होल मिल गया हमें। अब इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके। ये देखिए, ये हमारे को मिल गया। अब ये मिडल से इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब यहां से हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, हमने खोल दिया, तो ये हमारा इस तरीके से बोट बन गया। इसको हम पूरा फोल्ड करके इसको इस तरीके से दबा दें। तो ये देखिए, अब हम इसको खोलेंगे तो ये हमारी बोट बन के रेडी हो गई। ये देखिए, हमारी बोट बन के रेडी। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं हम। मैंने ये एक शीट ली है जो कि A4 साइज की हाफ है। A4 साइज को मैंने बीच में से कट कर लिया, उसकी हाफ शीट है। अगर आप मेजरमेंट से नापना चाहते हैं तो ये 15 इंच है और यहाँ से हमारा 20 इंच है। इस तरीके से हमने ले लिया और लेंथ वाइज हम इसको फोल्ड करेंगे। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। ये देखिए, अब फिर से ये लेंथ तो आ गई और ये विड्थ आ गई हमारी। तो फिर से इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको फिर से खोलेंगे और ये एक लाइन हमारे को नजर आ रही है। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेकर इसको इस लाइन से मिलाएंगे इस तरीके से, तो एक ट्रायंगल की तरह ये मुड़ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे ही हम यहां से उठा के इसको भी यहां पर लाइन के साथ जोड़ेंगे इस तरीके से। तो ये एक और ट्रायंगल की तरह मुड़ेगा हमारा पेपर। ये भी मुड़ गया।
अब नीचे हमारा थोड़ा सा पेपर बचा हुआ है। अब इस पेपर को क्या करेंगे, यहाँ से उठा के हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया और अच्छे से प्रेस भी कर देना है। अब इसको पलट देंगे, दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। अब हमारे को इस तरीके से मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को पकड़ के इस कॉर्नर से मिलाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इस कॉर्नर को पकड़ के इस कॉर्नर से मिलाएंगे। अब ये दो पेपर हैं, एक को अंदर कर देंगे, एक को ऊपर कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी। अब ये शीट हमें मिल गई इस तरीके से, और इसको इस तरीके से रखेंगे, ये जो फोल्ड है यहाँ पे और ये कॉर्नर। अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे इस तरीके से, एक ट्रायंगल की तरह ये मुड़ जाएगा। इसको हम पलट देंगे और फिर से हम इसको ट्रायंगल को बना देंगे। ये देखिए, एक ट्रायंगल शेप आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको हम खोलते हैं, इसी तरह से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला देंगे। इस तरीके से शेप आ गई। अब हम इसको खोलेंगे, ये देखिए जैसे ही हम खोलते हैं, मिडिल वाला हम सीधा कर लेंगे और इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ऐसे दबा लेंगे। ये देखिए, अब हमारी ये बोर्ड बनके रेडी है। इसमें हमने कहीं भी कुछ चिपकाया नहीं है, हमने कहीं भी कुछ कट नहीं किया है, और ओरिगेमी बोर्ड हमारी बनके रेडी है। इस तरीके से आप बोर्ड बना सकते हैं। ये देखिए, हमारी सुंदर सुंदर बोट पानी में तैर रही है। तो इस तरीके से आप भी बनाइए और इस तरीके से पानी में तैराइए। बड़ी छोटी आप कोई भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।